Very pleasant morning to all my lovely students. So last lecture I have discussed about the relations with them between the central and state government. So come with this topic, we will continue chapter number 2, federalism. Today's topic is decentralization in India. Definition we have done, what is the mean of decentralization. Let's revise. Decentralization delegates the power to the local government. किसको कर दिए जाते हैं power? शेयर किए जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है किसको देती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को. इट मेक्स गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है गवर्नमेंट. इसमें थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. पीपल जो है उसी एरिया के इलेक्ट किए जाते हैं, उसी एरिया के होते, दे आर मोर फैमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. एंड आफ्टर द 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट टू मेक थर्ड ईयर मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव. कई सारे चेंजेस किए गए. 3 चेंजेस आई हैव डिस्कस. फर्स्ट चेंजेस वॉज द सीट्स फॉर रिजर्व फॉर द ST SC एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस. एंड 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स. एंड थर्ड चेंजेस वॉज द रेगुलर इलेक्शन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years. सो दीज 3 चेंजेस वर देयर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट मेक मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव. Now next topic is we are talking about the local self government. So local self government started with the villages. अब कहाँ से start हो रहे हैं हम? सबसे छोटी unit, smaller unit of the country कौन सी होती है? Villages. So there were ग्राम पंचायत, है ना? पंचायत का नाम सबने सुना है कि पंचायत क्या होती है? एक जो political body होती है. So सबसे basic village से start होती है. It was the सो रूलर एंड रूलर गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज. जो रूलर गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पंचायती राज. ईच विलेज, हर विलेज में होती है, क्या होती है? पंचायत होती है. ग्रुप ऑफ विलेज और सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत विच इज द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द सेवरल वार्ड मेंबर. देखिए बहुत ईजी बताया कि विलेज होता है एक या एक से ज्यादा विलेजेस हो सकते हैं. उसको कई सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है. हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है. वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत. सो विच इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं. ऑफन कॉल पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच. क्या क्या कहा जाता है? देखो 3 नाम आए यहाँ पे. पहला तो है पंच, है ना? ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए. पंच तो वो लोग होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं हर वार्ड से. उन सबको क्या कहते हैं? पंच. उनका जो हेड होता है, यानी उस जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स में से उसको हेड बनाया जाता है, उसको कहते हैं सरपंच. उसको प्रधान भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रधान. ठीक है, प्रधान, सरपंच, आप कुछ भी कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में. इलेक्टेड मेंबर के जो हेड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डिवीजन मेकिंग बॉडी और इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी टू एंटायर विलेजेस. ये सारे ही जो डिसीजंस हैं विलेज के लिए कौन लेती है? पंचायत. द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा. इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है. पंचायत इज द इलेक्टेड पर्सन. फाइन, जितने भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं हर वार्ड से उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्टेड मेंबर को ग्राम पंचायत कहते हैं. ठीक, ग्राम सभा आर द अडल्ट पीपल ऑफ द विलेज. दोज इलेक्टेड द पंचायत. वो सारे ही लोग विलेजेस के जो अडल्ट 18 ईयर अबव है वो किसका पार्ट आएंगे? ग्राम सभा का. यानी ग्राम सभा में सारे विलेजर्स आ गए. दोज हु आर 18 इयर्स एंड अबव. फाइन, सो पंचायत वर्क अंडर ओवरऑल द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. यानी कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो पूरी पंचायत ग्राम सभा इकट्ठी होती है, डिसीजन लिए जाते हैं. ऑल द वोटर्स इट्स मेंबर. जितने भी वोटर्स होते हैं, अभी मैंने बताया जितने भी वोटर्स 18 ईयर से, वो सब इसके क्या होते हैं? मेंबर्स पर्टिकुलर एरिया के. It has meet to at least twice and thrice in a year to the approve the annual budget of the Gram Panchayat. 2 या 3 बार इनकी मीटिंग होती है एनुअली, जिसमें वो बजट डिसाइड करते हैं कि विलेजेस में किस किस की चीज की जरूरत है और किस किस चीज पर एक्सपेंस करना है. एंड रिव्यू इट्स परफॉर्मेंस. उसके बाद रिव्यू भी करते हैं ये लोग कि उन्हें कौन से गोल्स अचीव करने थे और उन्हें कौन से गोल अचीव नहीं किए हैं अभी तक. देन अब देखो, ग्राम पंचायत होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी विलेजेस से. अब पंचायत समिति क्या होती है? ये कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है ना. दीज आर द कनेक्टेड. ग्राम पंचायत, उससे बनी है पंचायत समिति और उससे बनी है जिला परिषद. नाउ अबाउट द
पंचायत समिति, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टूगेदर। अब कुछ गांव की ग्राम पंचायत मिल जाएगी, ठीक है, उनके ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, पंचायत समिति, क्या कहा जाएगा उस ग्रुप को। एंड इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर्स ऑफ इट एरिया। अब जो ये वैसे इसको ब्लॉक और मंडल भी कहा जाता है, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी जो विलेजेस की पंचायत है वो मिलकर क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है, ब्लॉक बनाती है और मंडल बनाती है, मंडल भी कह सकते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। अब इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसे इलेक्ट कौन करता है, सारी पंचायतों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसे क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ऑल द पंचायत समितीज एंड मंडल एट द डिस्ट्रिक्ट टूगेदर कंस्टिट्यूएंट अ जिला डिस्ट्रिक्ट एंड परिषद। अब जितनी भी ग्राम पंचायत है उन्होंने क्या बना ली, पंचायत समिति, सब जितने भी पंचायत समितीज है इस एरिया की उन्होंने सबके सबने मिलकर क्या बने, जिला परिषद, यानी एक स्मॉल यूनिट से बिगर, बिगर से बिगर, यानी कि ये एक चेन के रूप में वर्क करती है। मोस्ट ऑफ द जिला परिषद मेंबर्स आर इलेक्टेड, ज्यादातर जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पर कुछ अपॉइंटेड मेंबर्स भी होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी आर ऑल्सो इट्स मेंबर। उस एरिया के MLAs हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं, वो भी इसके क्या होते हैं, मेंबर। इसके बाद है आपका जो सिटी में होती है, जो बड़े टाउन्स होते हैं उसमें होती है म्युनिसिपैलिटी, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, चेयरपर्सन जिसको हम कहते हैं। और जिस भी सिटी की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है ना, इतनी है 10 लाख, वहाँ पर क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। लाइक जयपुर, हमारे जयपुर में क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्या कहते हैं इसको, नगर निगम, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कौन करता है हमारे एरिया में, नगर निगम। सो उनका भी वर्क सेम ही होता है, लुक आफ्टर करना और सारी चीज़ों को देखना, बट लोगों को प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, स्कूलिंग हो गया, क्लीननेस हो गया, गार्डन हो गया, रोड्स हो गया, ये हमारे जो एसेंशियल वाटर हमारे पास आता है, दीज ऑल आर कम इन टू द क्राइटेरिया ऑफ द म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन सिटीज। फाइन स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू बुक आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, फाइन, सो टेक आउट योर बुक। नमस्कार स्टूडेंट्स, सो टूडेज टॉपिक आर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फाइन, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फाइन। सो अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक आई एम एक्सप्लेनिंग, फाइन स्टूडेंट्स, वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, की फीचर्स क्या था, एटलीस्ट मोर मोर देन टू लेवल, यानी कि ज़्यादा कम से कम कितने होने चाहिए टीयर्स, दो, सेंट्रल एंड स्टेट। वी हैव सो फार डिस्कस द टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, बट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट रन बाय ओनली दीज टू टीयर्स। लेकिन हमारे इंडिया जैसी कंट्री में सफिशियंट नहीं है कि सिर्फ दो ही टीयर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो उसको रन करें, वास्ट है ना, बहुत जो जोग्राफिकली बड़ी होती है कंट्रीज, फाइन। सो स्टेट इन इंडिया आर एज अ लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हम जैसे यूरोपियन कंट्री की बात करें, मोस्टली टू टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज है यूरोप की, जैसे हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में किया था, हरियाणा जितनी कंट्री है, तो हमारी इंडिया जो है काफ़ी बड़ी कंट्री है। इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस बहुत अंदर से आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आया है, उत्तर प्रदेश जो है वो किससे बड़ा है, इज बिगर देन रशिया, यानी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर हम मेजर करते हैं तो एक अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन रशिया के जितनी, रशिया से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट द बिग कंट्री एज अ जर्मनी, जर्मनी महाराष्ट्र जो है जर्मनी के जितना ही बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर द इंटरनली वेरी डाइवर्सिटी, कई स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, ऑल नोस। देयर इज दस अ नीड टू पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट, इसीलिए इन स्टेट्स के बीच में पावर शेयरिंग की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। द फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनादर टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी पावर शेयरिंग के चलते एक और टीयर्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, बिलो दैट ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट।
दिस इज द रीजनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दस रिजल्टेड अ थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड द लोकल अ गवर्नमेंट और इसी के चलते इस पावर शेयरिंग के चलते एक नई गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ लोकल गवर्नमेंट व्हेन पावर इज टेकन अवे ध्यान से सुनेंगे व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन दिस इज द डेफिनेशन ठीक है ये डेफिनेशन आ गई आपकी व्हेन पावर इज टेकन एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन फाइन नेक्स्ट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर इज एन ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विद द बेस्ट सेटल द लोकल लेवल अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं लोगों के उन्हें बेस्ट तरीके से सेटल करने का जो आइडिया था वो लोकल लेवल उन्हें सॉल्व करेगा ये तय किया गया पीपल हैव बेटर नॉलेज टू द प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़ जो लोग वहाँ से इलेक्टेड होते हैं उन्हें अपने लोकेलिटीज़ की बहुत अच्छी जानकारी होती नॉलेज होती दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ वेयर टू स्पेंड द मनी उन्हें ये भी पता होता है कहाँ मनी स्पेंड करना है हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशियंटली किस तरह से इफिशियंटली वर्क किया जाए बिसाइड द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग पहला तो देखिए लोकल गवर्नमेंट का हो गया यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग दिस हेल्प टू द इनकैलकुलेट हैबिट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट इज बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या नाम दिया गया इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द नीड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटैम्प्ट टू द डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल है विलेज एंड टाउन पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपल्टी इन द अर्बन एरिया सेटअप इन ऑल स्टेट्स है यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर सेट किया गया पंचायत म्यूनसिपल्टी है ना बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेकिन जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के जितने भी इंस्टीट्यूशन है दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट होल्ड रेगुलरली पहले जो भी इलेक्शंस होते थे वो रेगुलरली होल्ड नहीं होते थे हेल्ड नहीं होते थे लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव मोर पावर्स रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन लोकल गवर्नमेंट के पास ना तो पावर्स थे ना ही रिसोर्सेज थे देयर वर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन द इफेक्टिव टर्म्स और 1992 से पहले इफेक्टिव टर्म्स में नहीं था सो नेक्स्ट इज सो A major steps toward the decentralization was taken in 1992. बहुत major decisions लिए गए The constitution was amendment. Amendment है ना constitution में क्या किया गया Change किए गए to make the third year of democracy more powerful and efficient. ताकि इस third year को काफ़ी powerful बनाया जा सके कुछ terms हैं इसको अच्छे से याद करेंगे सभी ठीक है First is the Now it is the constitutionally the mandatory to hold regular elections local government bodies अब क्या किया जाए regular elections कराए जाएंगे after the amendment of the 1992 seats are reserved in the elected bodies exclusive heads of these institution for scheduled caste scheduled tribes and other backward classes next is at least one third of all positions are reserved for women Next is an independent institution called the State Election Commission has been created to each state to conduct the panchayat and municipal elections. Institution जो है State Election Commission set up किया गया जो इन सारे elections को conduct कराएगा regularly after every 5 years. The state governments are required to share some powers and revenue with the local गवर्नमेंट बॉडीज दैट नेचर ऑफ द शेयरिंग्स वेरियस स्टेट टू स्टेट अब ये जो है पावर जो है स्टेट टू स्टेट में वेरिएशन देखा जा सकता है कहीं को दिया गया रिवेन्यू यानी कि टैक्सेस जो है कलेक्ट का पावर ताकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके सो नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायत म्यूनसिपल्टी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थैंक यू एंड हैव अ नाइस